Welcome student. Now we are discussing another student class is extern. अब हम extern के बारे में discuss करेंगे. जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको auto के बारे में बताया था, register के बारे में बताया था. उसके बाद में एक मैंने वीडियो और किया था जिसमें मैंने आपको उसके extern के बारे में बताया था. और अब बचा है हमारा last topic ये static. इसके बारे में हम discuss करेंगे. इन चारों में क्या क्या अंतर है, ये जो मैंने तीन पहले आपको दे चुका हूँ मैं स्टोरेज क्लासेस के बारे में, वो डिफरेंस आपको समझ में आया होगा आई होप. और अब स्टैटिक के बारे में क्या होता है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, स्टैटिक ऐसा कीवर्ड होता है जिसका नेचर होता है कि जो इस ऐसा कोई वेरिएबल जिसके आगे स्टैटिक को लगा दिया जाए तो होता क्या है कि वो वेरिएबल ऐसा हो जाता है कि उसको मेमोरी जो भी मिलती है और जो भी उसको डेटा मिलता है वो बना रहता है, वो गायब नहीं होता. प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म रहता है उसके बावजूद भी वो बना रहता है. तो आइए देखते हैं इसमें. ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन डिज़ाइन किया है जिसमें आपको समझाया गया है कि किस तरीके से एक सिंपल वेरिएबल हो तो उसका क्या मेमोरी और मेमोरी एरिया यानी कि मेमोरी की सिचुएशन और डेटा की क्या कंडीशंस रहती हैं कि मेमोरी में रहता है कि नहीं रहता है. और दूसरी ओर हमने स्टैटिक लिया हुआ है. तो अगर हम मेन फंक्शन की कॉलिंग पे जाते हैं तो पहले मेन फंक्शन जाते हैं तो क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो यहीं से शुरू होना है तो पहली लाइन जब कंपाइलर को मिलेगी फन वन तो वो तुरंत इसकी कॉलिंग दिखेगा और इसकी डेफिनेशन जहाँ भी होगी उसको तुरंत ये रीड करेगा आपके. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ऑटो इंट एन यानी कि ऑटो बाय डिफॉल्ट तो सारे वेरिएबल ऑटो होते हैं. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल जो होते हैं वो ऑटो होते हैं, चाहे उनके आगे ऑटो लिखा हो या ना लिखा हो, कंपाइलर यही अज्यूम करके चलता है. मैंने आपको लिख दिया है समझाने के लिए. तो अब क्या है, यहाँ पर मैंने एन में क्या असाइन किया है, जीरो. तो इसके लिए एन के लिए एक मेमोरी लोकेशन बनेगी आपकी. अब मेमोरी लोकेशन बनने के बाद में इसमें असाइन होगा जीरो. अब प्रिंटर में क्या है, आपका एन प्लस प्लस है यानी कि एन एक आपका वेरिएबल है जो कि एक सिंपल वेरिएबल है. साथ ही साथ एन को जब प्रिंट किया गया तो इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया गया है. अब क्या होगा कि सबसे पहले जब फन वन की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टाइम में जब हमारा ये वाली लाइन कॉल हुई थी तो क्या हुआ, प्रिंटर में हमारा एन जीरो प्रिंट हो जाएगा और बाद में इसका पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहाँ पर मैं एरो बना के लिखे भी दे रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. तो पहले क्या होगा, पहले हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद में इसका इंक्रीमेंट होगा. और जब इंक्रीमेंट होगा तो होगा क्या कि बाद में जैसे ही इस प्रोग्राम का टर्मिनेशन होगा तो ये वैल्यू जो है वो मेमोरी और मेमोरी पे पड़ी वैल्यू दोनों ही फिनिश हो जाएंगी. अगली लाइन में क्या होगा, हमारे ये कॉल होगा यानी कि फंक्शन टू कॉल होगा. तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिएगा कि मेन यहाँ पर एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है जिसमें एम नाम का वेरिएबल लिया गया और वैल्यू दी गई है जीरो. अब क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट स्टेट में क्या होगा, पहले एम की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी. जैसे ये मेरी मेमोरी लोकेशन है और यहाँ पर था जीरो, तो जीरो आपका प्रिंट हो गया. और फिर बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो ये वैल्यू जो है बाद में आपकी प्लस हो जाएगी यानी कि जीरो से क्या हो गया, वन हो गया. अब ये वैल्यू आपकी जो है वो बनी रहेगी. वहीं दूसरी ओर देखें, जब इसका फिर से टर्मिनेशन खत्म हो जाएगा कंपाइलर फिर मेन फंक्शन में आएगा और वापस आगे बढ़ेगा तो इसको फिर से मिलेगा फन वन. तो फन वन की डेफिनेशन पे फिर जाएगा और फिर इसी प्रकार से फिर से क्या होगा, इस वेरिएबल को फिर से मेमोरी मिलेगी, मेमोरी मिलेगी तो यहाँ पर जीरो होगा, फिर से जीरो प्रिंट हो जाएगा और बाद में इसका पोस्ट इंक्रीमेंट होगा. जैसे ही प्रोग्राम का टर्मिनेशन होगा वैसे ही क्या होगा, तुरंत ये जो मेमोरी और मेमोरी पे पड़ी वैल्यू थी ये तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी. वहीं दूसरी बार में आगे इधर देखते हैं, फंड टू जब कॉल होगा तब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम हमने वैल्यू क्या ली थी, जीरो ली थी, लेकिन जब फर्स्ट टाइम में इसकी कॉलिंग हुई थी तो जीरो से बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो बाद में वैल्यू प्लस भी हुई थी. तो उसके बाद फिर से देखें, फिर से क्या होगा, मेमोरी अलॉट हुई,
यानी मेमोरी तो पहले से ही अलॉट थी, बट यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, आपकी आपने देखी थी बाद में वैल्यू प्लस हुई थी, तो ये वैल्यू बाद में जो प्लस हुई थी ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी और फिर से एक बार इंक्रीमेंट होगा, तो 1+1 इक्वल क्या हो जाएगा 2, यानी कि नेक्स्ट टाइम में जब इसकी कॉलिंग होगी तो वैल्यू 2 प्रिंट होने वाली है, पहले 0 हुई थी फिर 1 और उसके बाद में 2 प्रिंट होगी। चलिए आगे देखते हैं, फिर से फंक्शन 1 कॉल होगा तो फिर इसी तरीके की सिचुएशन बनेगी और इसको क्या होगी, मेमोरी मिलेगी, मेमोरी पे वैल्यू प्लेस कर दी जाएगी, लेकिन बाद में जब पोस्ट में इंक्रीमेंट होगा तो लेकिन बाद में जैसे ही प्रोग्राम का टर्मिनेशन होगा तो इसका वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर 1-2 फिर से कॉल होगा तो अगली बार क्या होगा कि फिर से मेमोरी लोकेशन तो मिली हुई ही है, लेकिन जैसे ही ये कॉल होगा और प्रिंटिंग स्टेटमेंट आएगा तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट पे क्या था, पोस्ट इंक्रीमेंट पे जब लास्ट टाइम में वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हुई थी वो थी 2, तो यहाँ पर आपका 2 प्रिंट हो जाएगा और फिर से इंक्रीमेंट होगा तो फाइनल वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हो गई 3, लेकिन ये 3 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, प्रिंट होगी 2 और ये पोस्ट इंक्रीमेंट के कारण ये यहाँ पर 3 होगा, यानी कि मेमोरी में फिर से वैल्यू बची हुई है, यानी कि मेमोरी अलॉट है इस वेरिएबल को अभी भी और उस वैल्यू पे अभी भी डेटा, उस मेमोरी एड्रेस पे अभी भी डेटा पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही सरल वे में हमने जाना कि क्या होता है हमारा एक सिंपल वेरिएबल में और एक स्टैटिक वेरिएबल में अंतर। तो जब भी आपका एग्जाम हो और एग्जाम में अगर आपको समझाना हो तो आप एक सिंपल वेरिएबल को और एक स्टैटिक टाइप के वेरिएबल को इसी तरीके से एक एग्जाम्पल देते हुए समझाएं तो आपको भी बेहतर समझ में आएगा और आप अच्छे से अपने क्वेश्चन का आंसर भी लिख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, स्टैटिक के बारे में काफ़ी है। थैंक यू।